हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना कुक्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंने स्ट्रॉन्ग सूप, जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और डाइटिंग के लिए तो नंबर वन सूप है। तो आइए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी ले लूँगी कुकर में मैं, और क्योंकि मैं चार बड़े टमाटोज ले रही हूँ, इसके ऊपर से मैंने कैप हटा दिए हैं सबकी, और इसमें मैं इस तरह से कट मार दूंगी प्लस में, जिससे कि जब ये बॉयल हो जाएं तो बाद में इसका छिलका बड़े ही आराम से उतर जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, लगभग 1/4 टीस्पून, और इसको मैं फिर लिड लगा करके 4 विसल दिलवा लूँगी। 4 विसल आने के बाद कुकर ठंडा हो गया था और मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए, छिलके अपने आप से अलग हो गए थे, मैंने छिलके सब निकाल दिए। छिलके अलग करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके इसको साइड रख लेंगे, इसे छानने की नीड नहीं पड़ेगी। आप कुछ ग्रीन वेजेस जैसे कि घिया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, और इसके साथ हम ब्रोकली भी ले सकते हैं, बट मुझे नहीं मिली है। तो आप इन सब वेजेस को मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया है सूप बनाने के लिए। अब मैंने कुकर में आधा गिलास के बराबर पानी ले लिया है और वो बॉयल हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें ये सारी की सारी जो मैंने चॉप करके रखी हैं सब्जियाँ डाल दूंगी, और उसमें मैं 1/4 चम्मच के बराबर नमक डाल दूंगी। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है मैंने, और हम देख लेंगे, बहुत ही कम पानी है, आधा गिलास पानी है जिसमें सब्जियाँ हल्की सी बस डूब सी गई हैं, और ये जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसको कुकर में 1 विसल आते ही हम विसल को निकाल देंगे बाकी की, और कुकर को खोल देंगे जल्दी से। बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुकर में नहीं रखना है। और अब हम इसमें से पानी अलग कर लेंगे, छान लेंगे इन वेजेस को। ये देखिए, वेजेस अलग हो जाएंगी और पानी अलग हो जाएगा, और इन वेजेस को और ये जो पानी हमारा बचा है ना, इसे अलग से हम रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा अभी। बट अगर आपको वाई की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस पानी को वेस्ट कर दें। मैं 1 कैप्सिकम, 1 अनियन, 4 गार्लिक क्लव्स, 1 इंची अदरक और 1 कैरेट ले लूँगी, और उन्हें बारीक चॉप कर लूँगी या चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। इन्हें हमें बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काटना है, हाथ से काटेंगे तो भी इन्हें छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट कर लेना है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसे फुल फ्लेम पर रख दिया है। उसमें मैं 2 चम्मच प्योर घी या फिर बटर भी डाल सकते हैं, जो आप लाइक करें, और इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इतना ऑयल तो थोड़ा सा जाना भी चाहिए। और ये थोड़ा मैंने 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाला है, ये क्रैकल्ड हो गया है, तो इसमें मैंने जिंजर एंड गार्लिक का मिक्सचर जो मैंने ग्रेट करके रखा था वो डाल दिया है। और अब ये थोड़ा सा पिंक हो गया है तो मैंने इसमें अनियन डाल दिया है, और इसको हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। थोड़ा सा ये भी ट्रांसलूजेंट हो गया है तो इसमें मैंने बाकी की भी वेजेस डाल दी हैं, और इनको हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी नरम हो जाए, बस 1 मिनट लगेगा इन्हें नरम होने में। अब ये थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं तो इसमें मैं जो मेरी वेजेस बॉईल की हुई थी पड़ी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, और इसे भी ऐसे ही टॉस करना है। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा मैंने इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक वगैरह संभाल के डालिएगा, क्योंकि हमने बॉयल करते टाइम भी थोड़ा थोड़ा डाला था इसमें सॉल्ट। बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से आप जैसे लाइक करें उसी हिसाब से डालिएगा। आप इन सब्जियों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इन सब्जियों को, नहीं तो न्यूट्रिशन लॉस हो जाएंगे। और ये जो हमने टमाटो की प्यूरी सी बनाई थी वो भी इसमें हमने डाल दी है, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब पानी जो अगर ज़रूरत हो तो हमारा जो वेजेस का पानी बॉइल्ड हुआ पड़ा था जो हमने छाना था वो भी थोड़ा सा ही मैंने मैजिक मसाला डाला है, ये भी बच्चों के टेस्ट के लिए, अदरवाइज इसे स्किप कीजिएगा। और इसे 1/2 बॉयल आ जाने दीजिए, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी बॉयल आ गया है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें क्रीम, पास्ता, बटर कुछ भी डाल सकते हैं, जिसे बच्चे एंजॉय करें। गाइस, वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया सूप बनकर रेडी हुआ है, जिससे कि वेट लॉस तो होगा ही, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी।
और फीलिंग तो ये देगा ही, एक बार की डाइट का काम करेगा। सो गाइस हेल्दी रहिए, थैंक यू, टेक केयर। दिस रेसिपी इज रिकमेंडेड बाय डाइटिशियन मीनाक्षी, डू सब्सक्राइब हर, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you.